Hey guys, what's up? In this video, we are going to look about the placement of IIT Madras this year. So guys, we are going to watch this placement brochure. Placement कैसी रही इस साल? Basically इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. So guys, इसमें देख सकते हैं आप इंडेक्स. और हम जाएंगे इसमें प्लेसमेंट वाले सेक्शन में. देख सकते हैं आप कुछ एलुमनाई इनके. देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं. बीटेक, एमटेक, एमए, डुअल डिग्री, एमएस, एमबीए और कैसे कैसे उनमें एडमिशन होते हैं. कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम वो लिखे हुए हैं इसमें. जी, गेट, जैम, कैट. सो गाइस, सबसे पहला डिपार्टमेंट हम देखेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का. प्लेसमेंट कैसी रही इसमें? तो कुल बीटेक से इसमें 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और डुअल डिग्री में करीब 15 लोगों का एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है. और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर बात करें तो इसमें बीटेक से कुछ दिख नहीं रहा. एमटेक से कुल 17 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की. इसमें कुल डुअल डिग्री से 45 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. बीटेक का इसमें नहीं दिखा रहा है. देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें बीटेक से कुल 52 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. डुअल डिग्री से 19 लोगों का. और देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में कुल जो प्लेसमेंट हुई है मैक्सिमम पीएचडी वाले लोगों का प्लेसमेंट हुआ है इसमें. डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें बीटेक से कुल 47 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और डुअल डिग्री में 39 लोगों का. एमटेक से कुल 43 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. एंड देन हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसा रहा इसका प्लेसमेंट. तो बीटेक से कुल 49 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. डुअल डिग्री से 8, एमटेक से 59, एमएस से 20 और पीएचडी से 1 लोगों का. काफ़ी अच्छा रहा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में. देन देखेंगे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इसमें कुल बीटेक से 73 लोगों का प्लेसमेंट हुआ और डुअल डिग्री में 61 लोगों का. देन एमटेक से 56 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है इसमें. और देन हम लोग देख रहे हैं आगे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन. इसमें डुअल डिग्री से 50 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और पीएचडी से 12 लोगों का और एमएस से 9 लोगों का हुआ है प्लेसमेंट. और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो एमए से 16 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और पीएचडी में 4 लोगों का. देन हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की. तो इसमें कुछ पीएचडी और पीएचडी से 15 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और एमटेक से 4 लोगों का. और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कुल 251 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें कि 65 बीटेक से थे, 65 डुअल डिग्री से थे और एमटेक, एमएस और पीएचडी लगभग बराबर 40 40 41. एंड देन बात करेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की. इसमें प्लेसमेंट बीटेक से कुल 28 लोगों का हुआ है, देन डुअल डिग्री से 14 लोगों का. और एमटेक की प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, एमएस से 7 और पीएचडी से 7. एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो 73 लोगों में 59 का एमबीए, जो एमबीए कोर्स में थे उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है 59 लोगों का. एंड देन बात करते हैं जो काफ़ी यूनिक ब्रांच है, डिपार्टमेंट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर, जो शायद मेरे ख्याल से सिर्फ आईआईटी मद्रास में ये ब्रांच होती है. इसमें कुल 293 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें कि पीएचडी से कुल 177 लोगों का एंड देन बीटेक से 28 और डुअल डिग्री से 18 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है. और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करें तो बीटेक से 27 लोगों का और डुअल डिग्री से 11, एमटेक से 44 और पीएचडी से 26 लोगों का प्लेसमेंट हुआ. देन एक ब्रांच है यहाँ पे
एडवांस मटेरियल एंड नैनो टेक, उससे कुछ 5 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, और एनर्जी सिस्टम में 5 लोगों का, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में 11 लोगों का, रोबोटिक्स में 14 लोगों का हुआ है, एंड डेटा साइंस से 28 लोगों का, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से 5 लोगों का हुआ है। और देख सकते हैं कि इंटर्नशिप एट IIT मद्रास किस किन किन कंपनियाँ में हुई लोगों की, देख सकते हैं आप कंपनियाँ यहाँ पे 170 PPOs ऑफर्ड हुए हैं इसमें। और एक चीज़ काफ़ी अच्छा इसमें इन्होंने डाला है, रिसर्च इंटर्नशिप इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। आप देख सकते हैं कि IIT मद्रास से किन किन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है। आप देख सकते हैं रसिया, USA, कनाडा, और यूनिवर्सिटीज़ के नाम, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के, देन इसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। कुछ क्लब्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी हुई है, 3D प्रिंटिंग क्लब, एरो क्लब, ये क्लब IIT मद्रास में होंगे। और ये देख सकते हैं पास्ट रिक्रूटर्स, मैकेंजी, गोल्डमैन सैक, JP मॉर्गन, एप्पल, जगुआर, और यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट प्रोसीजर बता के रखा है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ERF वगैरह वगैरह।